झूठ बोलता है वो झूठा कुत्ता है। मोदी जो है झूठा है, अमित शाह झूठा है, झूठ बोल लेगा। और हम तो गाय, मंदिर, मस्जिद, गोबर, विकास खत्म, कुछ भी तो नहीं किया है। क्या हम कहें इसके बारे में? मोदी जी आप तो बहुत बड़े हैं, हम आपके तो क्या कहें, हमारे पास आपके पैर ले आइए, हम तो उस चरणों में बैठ जाए आके। आपने बहुत वक्त लगा दिया, इतनी देर से आए आपको। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के तारीखी मैदान इकबाल मैदान के अंदर, और हमने देखा कि तकरीबन 15 से एक महीने से ये सत्याग्रह चल रहा है, और औरतें और मर्द हजरात यहाँ पे बैठे हैं। रात में भी, दिन में भी खाना पीना इनका सब यही होता है, और एक महीने से जो सत्याग्रह करके बैठे हैं। हम पूछेंगे कि बहन के जो सरकार, जो हमारी केंद्र की सरकार है, इन्होंने हाल ही में एक बिल पास किया है CA, NRC और NPR के ऊपर, तो इस बिल के विरोध में पूरे देश के अंदर, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, चाहे वो साउथ का हो या नॉर्थ का हो, पूरे देश के अंदर इस बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बावजूद सरकार पीछे नहीं हट रही है, तो हमारी बहनों का क्या मांग है? क्योंकि सुबह से हमने देखा कि यहाँ पे बहन है और माएँ हैं और हमारी बेटी है, जो इस वक्त अपने सुबह से शाम तक यहाँ पे अपने विरोध को और इस बात विरोध अपना विरोध कायम कर रहे हैं, और इस बात का ये कर रहे हैं कि जो बिल आया है, इस बिल को सरकार जल्द से जल्द वापस लिया जाए। तो हम बहन से पूछेंगे, बहन के हमने भी देखा कि पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है, और विरोध के साथ साथ पुलिस की तरफ से हिंसा हो रही है, पुलिस की तरफ से भी हिंसा हो रही है, और कुछ गुंडे और बदमाशों के जरिए भी लोगों के दरमियान उस प्रोटेस्ट को ख़राब किया जा रहा है, और इसे हिंदू बना मुस्लिम दिया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे खामोश है। तो इस पे बहन आप क्या करें? आपका नाम सबसे पहले पूछूंगा, आपका नाम क्या और करते क्या? जी, मैं फरीदा खान हूँ और मैं महिला कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं भोपाल में रहती हूँ जी, और इकबाल मैदान में मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट किया आई हूँ। कितने दिन से आप यहाँ पे बैठी? मैं तकरीबन 15 दिन से यहाँ बराबर आ रही हूँ, सुबह शाम दोनों। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यहाँ घंटों बैठी रहती हूँ। कारोबार वारोबार सब छोड़ कर? जी हाँ, मैं अपना सब कुछ, पूरे काम छोड़ कर, मैं NGO भी चलाती हूँ, सब चीज़ें छोड़ के मैं सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए बैठी हूँ। कि मेरे देश में जो जिस तरीके का मोदी सरकार ने फैसला किया है कि NRC और CA का लगा के, कि भाई यहाँ पे हिंदुस्तान की जनता को मुद्दों से भटकाया है, और भटकाने के बाद सीधा सीधा लाके इसे लाके मोड़ पे खड़ा कर दिया कि बस सब हिंदू मुस्लिम एक हो गए। और इस वक्त वो सोचता था पहले जैसे कि हिंदू मुस्लिम को गाय गोबर मंदिर मस्जिद में बांट दिया जाएगा, तो उसको छोड़ के इस वक्त पूरा देश एक हो चुका है। क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के हम अपने पेपर दिखाएं, क्योंकि कोई अपने घर में रहने के बाद अपने पेपर नहीं दिखाता है। वो सुप्रीम कोर्ट भी जो इस वक्त चुपचाप बैठी है, तो चाहे वो सोचे कि एक तरफा फैसला दे तो वो गलत होगा, इसमें सारे ही लोग हैं, सभी धर्म जाति के लोग आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला सोच समझ के दे देना चाहिए। बहन आपका नाम क्या? मेरा नाम संजीदा है। संजीदा बहन, आपसे ये पूछूंगा मैं कि इस केस को जो तकरीबन बहुत सारे वकील भी लड़ रहे हैं, और वकील की तरफ से और जज की तरफ से इस बात का कहा गया कि जो पुलिस है ये लोगों के ऊपर कार्रवाई गलत कर रही है, इसके बावजूद केंद्र सरकार पीछे नहीं हटती, तो इससे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई पुलिस बहुत बुरा रोल कर रही है। जैसा कि अभी शाहीन बाग में रात के 3 बजे अंधेरे में पुलिस आ गई थी, वो तो वहाँ के लोगों ने बाकी लोगों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, और कानून भी आ गया कि पुलिस ने ये भी कह दिया कि उनका हाथ नहीं उठेगा। और हम भी इकबाल मैदान को शाहीन बाग ही बनाना चाहते हैं, एक हफ्ते से उधर से गुजर। वो तो कह रहे हैं कि जो औरतें शाहीन बाग के अंदर आई हैं वो 500-500 रुपये दे के उनको बुलाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, कोई शाहीन बाग में 500-500 दे के नहीं बुलाया गया, सब अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उसमें कोई पैसे माफ, पैसों का काम नहीं है, ना कोई खरीदी हुई है, ना कोई पैसे माफ बता रहा, सब सिर्फ अपनी नागरिकता के लिए, अपने देश के लिए हैं, हम सब एक हैं। यही कहने के लिए हम सारी लेडीज इकट्ठी हैं, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पर। तो इसको जो हिंदू और बनाम मुस्लिम का जो झगड़ा दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये धार्मिक लड़ाई है? बिल्कुल नहीं, ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मोदी कर रहा है, ये चाहता है कि बस हिंदू मुस्लिम को लड़ा के खुद राज करे, जबकि हम हिंदू मुस्लिम एक है, एक थे और एक ही रहेंगे। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुट्टू है। आपसे मेरा सीधा सीधा ये सवाल है बहन, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा, हाल ही में कहा कि जो वकील हैं, ये जो पुलिस के जरिए जो हिंसा की गई ये गलत तरीके से की गई, ठीक है, और इसके बावजूद शाहीन बाग के अंदर पुलिस ने
औरतों के ऊपर ये औरतों को ये कार्रवाई दी कि आप एक रास्ता खोलें और उनसे बात करके कोशिश की गई, और लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर बीजेपी के लीडरों ने इस बात को अफवाह में तब्दील कर दिया कि 500-500 और 1000-1000 रुपए के ऊपर औरतें आई हैं। नहीं, गलत है, झूठ है। औरतें बच्चों को लेके बैठी हैं, 500-500 रुपए के अपने घरों से नहीं निकल सकती, जो बच्चों को लेके वहाँ बैठी है, कमा नहीं सकती थी। जो है झूठ बोलता है वो खुद झूठा कुत्ता है। मोदी जो है झूठा है, अमित शाह झूठा है, झूठ बोल लेगा। और हम तो केंद्र से कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, कि फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। 22 तारीख तक का टाइम है, 22 से 26 तक का, अगर इसके दरमियान फैसला अगर बरक्स हुआ तो? नहीं, होएगा ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं उसको। क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला है, पूरे कानून और हर चीज़ मस्जिद के सपोर्ट में, इसके बावजूद इन्होंने गलत फैसला दिया। हाँ। सीधा सीधा वायलेशन किए इन्होंने, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं तो हम तो इस बात को मानेंगे ही नहीं, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम अभी तो चुप रहे, हम लोग मुकर सालों पर बैठ जाएंगे। उन्होंने दिया बाबरी मस्जिद के खिलाफ दिया, तो हम लोग ने सब्र किया, लेकिन अब सब्र नहीं करेंगे। अब हम लोग हमारे घर का मंदिर और मस्जिद ही थी और उसके लिए खामोश रहे, लेकिन ये लड़ाई एक ऐसी है इसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल है, हर धर्म हर मजहब के लोग शामिल हैं, और ये मोदी की नहीं चलेगी। और आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, लास्ट सवाल आपसे कि अमित शाह और मोदी को आप कुछ सोल्यूशन देना चाहेंगे अपने माध्यम से? याद है उस कड़ी पार को और चाय वाले को, जो चाय बेचता था और जो कड़ी पार की बीवी नहीं है, खाना नहीं है, दूसरे की तीन तलाक में मुद्दे उठा रही, उसकी खुद की तो बीवी है ही नहीं, तीन तलाक में मुद्दे क्यों उठाता है? आपको नहीं लगता कि इन्होंने 6 साल के अंदर कुछ काम किया अच्छा ऐसा जिससे महिला खुश हो? जी किया ना, बहुत बहुत भयंकर काम किया है, हिंदू मुस्लिम करा है, गाय मंदिर मस्जिद गोबर विकास खत्म, कुछ भी तो नहीं किया है, क्या हम कहें इसके बारे में? मोदी जी आप तो बहुत बड़े हैं, हम आपके तो क्या कहें, हमारे पास आपके पैर ले आइए, हम तो उस चरणों में बैठ जाए आके। आपने बहुत वक्त लगा दिया, इतनी देर से आए, आपको और पहले आ जाना चाहिए था। हम लोगों को, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं मोदी और अमित शाह का, जिसने ये CAA और NRC निकाला, जिससे हम पूरा हिंदुस्तान एक हो गया और बता दिया कि हम एक हैं, एक थे, तुम लोगों की बिल्कुल नहीं चलेगी चित्तड़ी पार और चाय वाले। और आखिरी सवाल, आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे सत्याग्रह करके? जब तक ये NRC वापस नहीं लेगा हम लोग ऐसे ही बैठेंगे। NRC खत्म जब तक नहीं होती है हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी। अगर सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई फिर? नहीं, हम बिल्कुल मानेंगे नहीं, हम कोई पेपर नहीं दिखाएंगे, कोई आएगा तो जूते खा के जाएगा। और आप? बिल्कुल जूता खा कर जाएगा। और यही कहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अगर इन्होंने वापस से बांटने की कोशिश की हिंदू मुसलमान के जरिए, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी हिंसा हुई नहीं, फिर भी इसके बावजूद इन्होंने कोशिश की है कई जगह जबलपुर वगैरह में, लेकिन तकरीबन ये लोग नाकाम रहे। लेकिन अगर हमारे भोपाल के अंदर करने की कोशिश की है तो? हमारे भोपाल में ये होगा ही नहीं, ये तो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ की तो मिसाल है भोपाल, भोपाल में कभी यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आपका कहना है जब तक ये बिल हमारी सरकार वापस नहीं लेती हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, दिन में रात में चाहे कोई भी वक्त आप बैठे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मैं शादाब और हमने अपनी बहनों से बात की, तो तमाम बहनों की यही मांग है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, तकरीबन 250 से 300 औरतें बैठी थी और मर्द भी, जो सुबह से शाम तक यहीं बैठते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं और यहीं सोते हैं, इन लोगों की यही मांग है कि आप जो बिल लाए हैं ये बिल हमारे जो कानून है आर्टिकल 14 और 15 सीधा सीधा उसका वायलेशन है, इसलिए आप इस बिल को वापस लें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं शादाब, अस्सलाम।